हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू गोविंदाज रसोई। आज की रेसिपी है उड़द दाल के दही बड़े। इसके लिए मैंने 2 कटोरी दाल रात भर भिगो कर रख दिया था और इसे छान कर रख लिया है। अब हम इसे एक मिक्सचर जार में ग्राइंड करेंगे। जार में उड़द दाल के साथ 3 हरी मिर्च और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा डालकर ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करते वक्त पानी का इस्तेमाल बहुत कम करना है, वरना बड़े नहीं बनेंगे। ये मैंने पेस्ट बना लिया है और पेस्ट इतना गाढ़ा होना चाहिए ताकि हम आसानी से बड़े बना सकें। 2 कटोरी दाल में मुझे 1/2 कटोरी से भी कम पानी लगा ये पेस्ट बनाने के लिए। अब इस बैटर में 2 पिंच हींग डालेंगे। उड़द दाल थोड़ा हैवी होता है तो हींग से पचने में आसानी होती है। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और हाथों की मदद से अच्छे से फेंटेंगे। जितना अधिक हम इस बैटर को फेंटेंगे उतना ही फ्लफी और सॉफ्ट हमारे बड़े बनेंगे। लगभग 5 से 7 मिनट तक हमें इस बैटर को अच्छे से हाथों की मदद से फेंटना है, इस तरीके से। फेंटने की वजह से बैटर हल्का हो गया है। हम इसे 1 से 2 मिनट तक और फेंट लेंगे। बहुत लोगों के बड़े अंदर से हार्ड बन जाते हैं, उसका कारण है कि बैटर अच्छे से फेंटे हुए नहीं होते। आप जितना अधिक बैटर को फेंटेंगे बड़े उतने अच्छे बनेंगे। मुझे लगभग 7 से 8 मिनट हो गए हैं इस बैटर को फेंटते हुए और बैटर बिल्कुल फ्लफी हो गया है। ये देखिए बड़े कितने अच्छे से बन रहे हैं। मैं इस बैटर को चेक करके दिखाऊंगी। 1 कटोरी पानी में आप थोड़ा सा बैटर डाल के देखें, अगर बैटर पानी में तैर रहा है इसका मतलब बैटर तैयार है। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल अच्छे से गरम होना चाहिए, नहीं तो बड़े तेल सोख लेंगे और बहुत ऑयली बनेंगे। तेल में छोटे छोटे बड़े डालेंगे और फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से पके हुए नहीं रहेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक बड़ों को पका लेंगे। एक तरफ बड़े सेट हो जाएं, उसके बाद बहुत ही सावधानी से उसे दूसरी तरफ पलट लें और गोल्डन ब्राउन होने तक पका लें। बड़ों को तेल से निकालने के बाद पानी में भिगो कर रखेंगे, इससे बड़े सॉफ्ट बने रहेंगे। ये मैं जैसे जैसे बड़ों को तेल में से निकाल रही हूँ इसे पानी में भिगा दे रही हूँ। इस तरह से सारे बड़ों को हम पानी में भिगो कर रख देंगे। बड़ों को पानी में भिगो कर रखने से एक तो बड़े सॉफ्ट बने रहते हैं और दूसरा एक्स्ट्रा ऑयल बाहर निकल जाता है। मैंने सारे बड़ों को भिगो लिया है। अब हम एक भगोने में दही लेंगे। मैंने 1 लीटर दही लिया है, उसमें 1 से 1.5 चम्मच चीनी और 1/2 टीस्पून काला नमक डालेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे। दही को अच्छे से फेंटेंगे ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे और चीनी और नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। डिश को सर्व करने से पहले बड़ों को दबाकर अच्छे से पानी निकाल लेंगे। इस तरह से हल्के हाथों से बड़ों को दबाएंगे ताकि बड़े टूटे ना। बड़े बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। अब बड़ों के ऊपर फिटी हुई दही डालेंगे। दही आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 5 से 6 चम्मच दही डालूंगी। दही में चीनी और नमक डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बड़ों को दही से अच्छे से कवर करके सबसे पहले इसके ऊपर
इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे। इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई है। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चटनी डालने के बाद थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। हमने ऑलरेडी दही में और बड़े में नमक डाला हुआ है और इमली की चटनी में भी नमक है, तो नमक बिल्कुल थोड़ा सा डालें टेस्ट के लिए। इसके बाद हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे भुने हुए काली मिर्च का पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर। अब दही बड़े सर्व करने के लिए रेडी हैं। अब मैं इसमें तुलसी पत्र रखकर अपने राधा माधव जी को भोग अर्पित करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। हरे कृष्णा।